एक तरफ रोड के जो है वो धरना हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक खुला है और ट्रैफिक आराम से गुजर रहा है। जिस तरह के लोग देख रहे हैं, अगर ट्रैफिक हल्का सा स्लो भी है तो इस वजह से कि दो तरफ एक चल तो जो लोग ये जोर कर रहे थे कि शारे पैसे जमात इस्लामी वालों ने ब्लॉक किया और आम लोगों को तकलीफ दी, तो उनके लिए कि जमात इस्लामी वालों ने तो इस जगह भी कोई भी चौक नहीं किया। ये धरने का इवेंट है, अभी हाफिज नईम और रहमान साहब यहाँ तकलीफ करने वाले, बाकी लोग नमाज पढ़ के भी वापस आए। बहुत से हजरात और वो काबिल एहतराम मेरी बहनें जो दाएं बाएं कुछ गाड़ियों में बैठी हुई हैं, कुछ पीछे पर्दे में बैठी हुई हैं, और ये सब के सब ये जो हम सब यहाँ आए हुए हैं, आप सब यहाँ जमा हैं, ये जो लोग गाड़ियों में आ रहे हैं, ये जो दूर तक बैठे हुए हैं, और जमात इस्लामी की ये क़यादत जो हाफिज नईमुर रहमान और दीगर तमाम दोस्तों के साथ यहाँ मौजूद है, इसके इलेक्ट्रिक की पुरशिको इमारत के सामने हम यहाँ फर्श पर धरना जमाए बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं, और इस बात का अलमिया, इस बात का मातम कर रहे हैं कि जनाब इस शहर की, इस शहर नापुरसा का, ये शहर जो मातम जदा शहर है, जो मातम गजीदा शहर है, जो पिछले 30 साल से सिर्फ खून देख रहा है, सिर्फ आंसू देख रहा है, सिर्फ बेवगी देख रहा है, सिर्फ बच्चों को यतीम होते देख रहा है, अब वो इसके इलेक्ट्रिक के हाथों अपना माशी कत्लेआम भी देख रहा है। न उसे दिन का चैन है, न रात का सुकून है। ये वो लोग हैं कि जो माशी सौदागर हैं, ये माशी तौर पर कत्लेआम करने वाले हैं। ये एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी है कि जो यहाँ पर आई है, कभी किसी और नाम से, कभी अवराज के नाम से, या कभी के इलेक्ट्रिक के नाम से। ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने हमारी सारी शनाख्त तब्दील कर दी है KSC के बजाय ये कुछ और नाम देकर इसको, लेकिन जमात इस्लामी की क़यादत को अल्लाह ताला जिंदा रखे और इसे इसी तरह से हिम्मत दे कि ये जिस तरह से यहाँ पर ये मुहिम चला रहे हैं, जो जिहाद कर रहे हैं, इसलिए कि बाकी तो सब ने अपना अपना हिस्सा लेकर इसमें से हिस्सा बटा लिया, सब अपना अपना हिस्सा लेकर बैठ गए। सिर्फ यही जमात इस्लामी वाले हैं कि जो मजलूम लोगों के साथ, जो मकहूर लोगों के साथ, जो इस माशरे के इंसल्टेड एंड ह्यूमिलेटेड पीपल के साथ हमेशा खड़े होते हैं। मैं मुझे इस्लामी के ने आज के मुशायरे के निजामत का सोपा है, कोशिश करेंगे कि ये अपने दोस्तों को बुलाकर उनके जरिए कुछ अशार पढ़ा लिए जाए, ताकि आपकी तफरी तबाह का भी इंतजाम हो और उन लोगों के ऊपर कोई असर हो सके कि जो यहाँ पर कर रहे हैं, जो इस शहर के लोगों को जनाब अजमल सिराज साहब से, शहीद से, अब्दुलरहमान मोमिन से, अलाउद्दीन खानजादा से, नजीब अयूबी से, हकीम नासिर साहब से, ये यहाँ पर हम आपको प्रोटोकॉल तो नहीं दे सकते कि जो मुख्तलिफ मुशायरों में आपको मिलता है या हम किस तरह से मुशायरे चलाते हैं, धरना देने बैठे यहाँ पर हम आपको कुछ जिंदा लोगों के मुशायरे में लेकर आए हैं। ये जो सामने बैठे हुए लोग हैं, ये जिंदा लोग हैं, ये धड़कते हुए दिलों के साथ यहाँ पर आए हैं, ये इस शहर के अलम को दूर करना चाहते हैं, ये इस शहर से मसाइल को खत्म करना चाहते हैं। पता नहीं क्या कुछ दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं, कैमरे वालों को दिखा दें। हम सलाम अलैकुम, मैं कोई नाक लपेट रखते हुए बात नहीं करूंगा। आप कैसे हैं आपके लोगों को भी ये सोचना चाहिए, यहाँ के रहने वाले बड़े पढ़े लिखे लोग समझे जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ रहते हैं, हर हिस्से का रहने वाला यहाँ आता है, वो यहाँ आकर रोजी कमाता है, रिजल्ट कमाता है, घर बनाता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब वोट देने का मामला आता है, तो किसी और के पक्ष में डाल देता है, किसी और की छान पे लगा देता है, और फिर आता है आपके सामने इदारा नूरे हक पे मसाइल का अंबार लेकर। तो भाई जिनके पास जाते हो वोट डालने के लिए, उनके पास मसाइल हल करवाने के लिए क्यों नहीं जाते, क्यों इन गरीब आदमियों के पास आते हो, जमात इस्लामी के पास क्यों आते हो? तो आइंदा अगर आपके पास कोई मसाइल हल करवाने के लिए आए, कोई बात करने के लिए आए, तो उनसे ये बात भी कही जाए कि भाई जब वोट डालने का वक्त आता है तो उस वक्त भी तो सही फैसला किया करो। जिंदगी के हर फैसले में तुम सही फैसला करते हो, जिंदगी के हर मामले में तुम अकलमंद हो, हर मामले में तुम ढेर होशियार हो,
लेकिन जब वोट देने का मामला आता है तो उन्हीं बातों को देते हो, उन्हीं चोरों को देते हो, उन्हीं बदमाशों को देते हो, उन्हीं गुंडों को देते हो जो तुम्हारा हर तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर दबा आपको मतलब उनसे ये सवाल भी करें, आप नेक लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं, आपके दामन पर कोई धब्बा नहीं है, आप इस माशरे को सही करने वाले लोग हैं, आप इस माशरे के वो लोग जो पहाड़ी का चढ़ाव है, जो लोगों को रास्ता दिखाते हैं, तो इन लोगों से वो सवाल भी करो कि भाई ये जो हमारे पास तुम आते हो ये सब करवाने के लिए, ये कई इलेक्ट्रिक के सामने जो रात के 9 बजे दोपहर 12 बजे से यहाँ धरना देकर बैठे हैं, यहाँ नमाजें पढ़ रहे हैं, यहाँ खाना खा रहे हैं, ये इनके घरों में बिल माफ नहीं होंगे, इनके घरों में तो ऐसा नहीं होगा जो कई इलेक्ट्रिक पर अलग से मीटर लगा देगी, ये सब इसी कराची के शहरियों के साथ करने वाले लोग हैं। बहरहाल मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, हकीम नासिर साहब भी यहाँ मौजूद है, जना अजमल सिराज साहब भी बैठे हैं, सर आप बैठे रहे, अभी तो आपका बड़ा टाइम है हकीम साहब पढ़ने में, अजमल सिराज है, मोमिन है, शहीर है, भाई अब्बास है, अलाउद्दीन खानजादा है, ये हमारे प्रेस क्लब के दोस्त है, प्रेस क्लब के सेक्रेटरी है हकीम नासिर साहब, भारत इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, शहीद और की दुनिया का इतना बड़ा नाम है कि हमारे दरमियान तशरीफ लाएंगे, इन्होंने हमारे साथ जब यह भी नहीं की है तो इनके साथ भी कुछ ना कुछ इनके लिए मतलब के इलेक्ट्रिक के लिए नारे लगा रहे हो, उनको बुरा भला कह रहे हो, तो इनकी तारीफ भी कर दो ना भाई थोड़ी सी। अजमल सिराज इतना बड़ा शायर है, पूरी दुनिया में पढ़ता रहता है, ये देखो ये मोमिन बैठा हुआ है, अब्दुलरहमान मोमिन, ऐसी जिंदा जिंदा गजल कहने वाला है, ये छोटा सा बच्चा शहीर है, ये जाहिद अब्बास है, ये सब लोग जो आए हुए हैं ये आपसे इजहारे यकजहती करने के लिए आए हुए हैं, और ये वेलकम कर रहे हो ना भाई, है ना, मतलब के इलेक्ट्रिक की तरह हुट तो नहीं कर रहे ना, कहीं के इलेक्ट्रिक की तरह हुट करना शुरू कर दो। बहरहाल मैं आलमगीर खान साहब तशरीफ लाए हैं फिक्सिट वाले, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूं अपने इस धरने के अंदर, इनके लिए भी जोरदार तालियां जनाब, आलमगीर खान साहब के लिए, जनाब आलमगीर खान साहब, हाँ कुर्सी लगाओ भाई आलमगीर खान साहब के लिए, यार बहरहाल ये हमारे भाई हैं आलमगीर खान, ये भी बहुत बड़ा काम करते हैं, आगाज करेंगे मुशायरे का इस्लामी इंकलाब के नारों के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक ने इस मुल्क का मुकद्दर इस्लामी इंकलाब कर रखा है, कायदे आज़म ने जो कुछ फरमाया था वो बिल्कुल उसी तरह से, देखिए ये मैं आप सबसे देखिए कि हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, ये सब हमारे भाई हैं, हमारे तो भाई कैसे हैं भाई, धरने के पहले दिन के खत्म पर शिरिनी की तकसीम, अच्छा मैंने अपनी हिंदी करा कराया है, हिंदी की तकसीम, क्या बात है यार, ये जमात इस्लामी के ही हैं, ये और कहीं नहीं मिलते, ये अपने अपने खर्चे से यहाँ आने वाले हैं, खुद पैसे खर्च करने वाले हैं, खुद अपनी सारी चीजें करने वाले हैं, ये वो लोग हैं, ये जमात इस्लामी पैदा कर सकती है, और कोई जमात ऐसी चीजें ऐसे लोग नहीं पैदा कर सकती, ऐसे हीरे नहीं पैदा कर सकती। मैं ये बड़ा छोटा सा बच्चा है शहीद तलाब नवी में या दसवीं में पढ़ता है, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ इससे, मुशायरे का आगाज इसकी नज़्म से करेंगे जो इसने कही के लिए कही के लिए कही है, तो आओ भैया आओ शहीद शाबाश बेटा, देखिए ये कैसा छोटा सा नौजवान है, जमीयत का बच्चा है और बड़ी 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 मोहब्बत वाला बच्चा है शहीद तलाब, तो इधर भी होना चाहिए, दो हाथ उठा के, तो कुछ आपने नहीं सुना ने वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम कैसे हैं, तो चल ही रहा शहर कायद की हिफाजत को मुआफिज आ गया, सब लुटेरों के मुकाबिल अपना हक आ गया। यहाँ सुबह से मैं देख रहा हूँ कि हजारों से ऊपर लोग आए हैं और गए भी हैं, और ये गाड़ियों की भी अगर हम तादाद देख लें ना, जो टीवी स्टेशन के लोग आए हुए हैं वो भी मेरे ख्याल है हर टीवी स्टेशन मौजूद है, मुझे नहीं पता कि उसकी ब्रॉडकास्ट में इस धरने का कितना हिस्सा है, लेकिन हमारे दोस्त ये जरूर कह रहे थे कि जो सामने के इलेक्ट्रिक दफ्तर आ रहा है नज़र आ रहा है, उस पर चूँकि एक पत्थर एक खराश एक कंकर नहीं पड़ा है, इसलिए शायद इन टीवी स्टेशन वालों के लिए खबर नहीं है। हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी ख़राबी है कि
اچھائی خبر نہیں ہوتی, برائی خبر ہوتی ہے. انہیں لوگ یہاں موجود ہیں, کچھ تصویریں میں لیٹ ہو گیا ورنہ میں شیئر کرتا کہ لوگوں نے بیل بھی باندھے ہوئے تھے اور اس بیل پہ بھی جو ہے نا وہ بھینس کے آگے بیل بنانا یا بھینس باندھی ہوئی تھی اور وہ کہیں نہ کہیں سے کے الیکٹرک کا کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کے الیکٹرک کا اوور آل کیا رول ہے ہمارے. لیکن میں صرف اتنا سے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھی خبر اگر اطمینان سے لوگ بیٹھے ہیں, اگر پرامن لوگ بیٹھے ہیں تو وہ نیوز بننی چاہیے. صرف نیوز اگر یہی بنے گی کہ اشارے فیصل بلاک ہے تو نیوز ہوگی, یہ الیکٹرک کے دفتر پہ پتھر پڑے گا تو نیوز ہوگی, یہ اچھی خبر نہیں ہے. لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں اور وہاں پہ مشاعرے کر رہے ہیں اور 10 سال کا بچہ اور 12 سال کا بچہ اور 9th کلاس کا بچہ آ کے مگر شعر پڑھ رہا ہے, تو یہ بھی نیوز ہونی چاہیے. شہر قائد کی حفاظت کو محافظ آ گیا, سب لٹیروں کے مقابل اپنا حافظ آ گیا, شہر قائد کی حفاظت کو محافظ آ گیا, سب لٹیروں کے مقابل اپنا حافظ آ گیا. دیکھیے یہ فلاں دسویں کلاس کا بچہ ہے لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ جو تیرا کون ہے, ساتھ کون ہے, وہ کتنے شہر کو لیتا ہے, تو لوٹا ہے اور کون محافظ ہے, کون محافظ ہے, تو محافظ صرف حافظ ہے اور کوئی محافظ نہیں ہے, یہ سمجھ لیجیے. ہاتھ کا پنکھا لے کے بچے بیٹھے ہیں, حافظ کو یہ اعزاز ہے کہ وہ اس شہر کا محافظ ہے اور یہ لالٹین بھی رکھی ہے شہر کو انشاء اللہ قتل سے, بھارت سے, لٹیروں سے نجات دلانے کے لیے. اور یہ بچہ تو زیادہ ہی گرمی لگ رہا ہے, اب تو رحمان مومن دوسرا ہمارا بچہ ہے. دیکھیے یہ بھی ہماری جمعیت میں اور جس جمعیت نے ہم سب کو پیدا کیا, جس جمعیت نے ہم سب کو سنوارا, ہمیں کوشش کی ہے بنانے کی, اسی جمعیت کا عبد الرحمان مومن بھی ہے, ساتھی رسالے کا ایڈیٹر ہے. عبد الرحمان مومن سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. بہت شکریہ شفیع خان صاحب. السلام علیکم. میں بھی آپ کی طرح کراچی کا ہی شہری ہوں اور اس دھرنے میں ویسے ہی مجھے شرکت کرنی تھی, تو نجیب بھائی کا حکم تھا کہ آپ کو بھی مشاعرے میں کوئی نہ کوئی نظم سنانی ہوگی. ایک آزاد نظم لکھی ہے میں نے, جزاک اللہ. کے الیکٹرک کے ای ایس پی تھا جو پہلے, اور یہ مجبور لوگوں سے ہوا بھی چھین لے اور ان سے جینے کا یہ ہر ایک آسرا بھی چھین لے, لیکن زیادہ دیر تک ظلم اب نہیں چل پائے گا, کیونکہ کراچی والے جاگیں گے نہیں اب جاگ اٹھے ہیں, یہ اپنے حق کی خاطر آخری حد تک چلے جائیں گے اور اپنا حق اپنا چھینیں گے. یہ اب قاتل الیکٹرک کو دوبارہ کے الیکٹرک ہی بنائیں گے, اسے اب مافیا سے پھر ادارہ کر کے دم لیں گے, یہ اب شہر کراچی کو دوبارہ روشنی کا گھر بنائیں گے. بہت شکریہ.